दिवाली धनतेरस जैसे त्योहारों की तैयारी में लगे ग्राहकों को जल महंगाई का एक और झटका लग सकता है। घरेलू किसानों की भलाई के लिए सरकार पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। इसके बाद खाने के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने हाल ही में आयात शुल्क में कटौती कर खाद्य तेल की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश की थी, लेकिन घरेलू बाजार के बदले समीकरणों को देखते हुए एक बार फिर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक घरेलू बाजार में तिलहनों की कीमतों पर दबाव है और देश के लाखों किसानों को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारी सीमा पार से सस्ती कीमत पर तेल आयात कर रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार सीमा पार से आयात किए जाने वाले पाम तेल पर टैक्स बढ़ाने का कदम उठा सकती है, ताकि व्यापारी सस्ता आयात करने के बजाय घरेलू किसानों से तिलहन की खरीद बढ़ाएं और किसानों को उचित कीमत मिल सके। गौरतलब है कि साल की शुरुआत में सरकार ने कच्चे पाम तेल की कीमतों पर लगाम कसने के बेसिक इंपोर्ट टैक्स में कटौती की थी। हालांकि इस पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के रूप में 5% टैक्स वसूला जा रहा था। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रिफाइंड ब्लीच और डियोराइज्ड पाम तेल पर आयात शुल्क दोबारा लगाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है, जो पहले 12.5% था। इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों की सरकार समीक्षा करेगी। एक अन्य सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्योगों की ओर से भी आयात टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को मिला है। उनका कहना है कि तिलहन की गिरती कीमतों को थामने के लिए आयात पर लगाम कसना जरूरी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में घरेलू बाजार में सोयाबीन और मूंगफली की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। आलम यह है कि देश के कुछ हिस्सों में नई फसल MSP से भी कम कीमत पर बिक रही है। उधर गुजरात देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द किसानों के हित में आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। वहीं मेहता ने यह भी कहा है कि क्रूड पाम ऑयल और RBG पर आयात टैक्स कम से कम 10% बढ़ाया जाना चाहिए। इससे घरेलू बाजार में तिलहन की गिरती कीमतों को थामा जा सकता है और इसके अलावा CPO और RBD के बीच शुल्क का अंतर भी 12-13% का होना चाहिए, ताकि घरेलू रिफाइनरियों को भी प्रोत्साहित किया जा सके। भारत फिलहाल अपनी जरूरत का 70% खाद्य तेल आयात करता है, जिसमें सबसे ज्यादा आयात मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। देश में खपत होने वाले कुल खाद्य तेल में अकेले पाम की हिस्सेदारी 66% के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।